बिहार के अमरजीत ने बदला इंडियन आइडल का मौसम। सोनू सूद के बाद अब विशाल ददलानी ने लिया गोद। हिमेश रेशमिया इस हफ्ते अमरजीत से कराएंगे अपना नया एल्बम रिकॉर्ड, जल्द होगा रिलीज। जब सोनू सूद ने अमरजीत के सिर पर रखा हाथ तो इंडियन आइडल ने दोबारा बुलाया मंच पर, पहली बार किया था रिजेक्ट। समस्तीपुर का लाल मुंबई में करेगा कमाल, क्या सच में बिहार का अमरजीत बन जाएगा बॉलीवुड का अरिजीत? समस्तीपुर का लाल अमरजीत जयकर अब बॉलीवुड का अरिजीत सिंह बनने के लिए तैयार है। पहले सोनू सूद, फिर विशाल ददलानी और अब हिमेश रेशमिया। जी हां, समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत जयकर की किस्मत का मानो जैकपॉट लग गया है। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे गाना गाकर वायरल हुए अमरजीत को जब सोनू सूद ने मौका दिया तो पूरा देश उन्हें जानने लगा। आज अमरजीत अपनी गायकी के चलते सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरजीत जयकर पैसों की तंगी रहने के बावजूद इंडियन आइडल के मंच पर पहले भी पहुंचे थे, लेकिन तब अमरजीत को रिजेक्ट कर दिया गया था। घर में पैसों की तंगी थी इसलिए अमरजीत छोटे मोटे शादी समारोह में गाना गाकर पैसे कमा रहा था। मगर अमरजीत की किस्मत उस वक्त चमकी जब सोनू सूद ने अमरजीत के सर पर अपना हाथ रखा। इंडियन आइडल ने अमरजीत को खुद न्योता देकर बुलाया। अमरजीत ने इस बार इंडियन आइडल के मंच पर पूरा मौसम ही बदल डाला। अमरजीत के गाने को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अमरजीत की आंखों से भी आंसू छलक रहा था। तभी विशाल ददलानी ने आकर उन्हें गले लगाते हुए एक बड़ा ऑफर दे डाला। फिर हिमेश रेशमिया भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी अमरजीत को एक गोल्डन ऑफर दिया। आज अमरजीत ने ये साबित कर दिया है कि बिहारियों में कला की कोई कमी नहीं होती, बस जरूरत है तो उसे तराशने की। अमरजीत जब इंडियन आइडल के मंच पर आते हैं तो मनोज मुंतशिर समेत कई जज खड़े होकर उनका भव्य स्वागत करते हैं। फिर आदित्य नारायण ने गाना गाने की गुजारिश की। अमरजीत दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे गाना गाते हैं। अमरजीत का गाना सुनते ही इंडियन आइडल के सभी जजेस भावुक हो जाते हैं। अमरजीत का गाना विशाल ददलानी के दिल को इस कदर छूता है कि वह उठकर सीधे मंच पर आते हैं और अमरजीत को गले लगा लेते हैं। विशाल सबसे पहले तो अमरजीत को इंडियन आइडल के अगले सीजन के लिए इनवाइट करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अमरजीत आपका गाना सीधे दिल को छूता है, आप हमारे स्टूडियो आइए, शेखर से मिलिए और दो चार गाने रिकॉर्ड करते हैं। अमरजीत का गाना सुनने के बाद सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने भी पहले तो अमरजीत का टेस्ट लिया। टेस्ट में पास होने के बाद उन्हें अपने आने वाली एल्बम में गाने के लिए ऑफर दे दिया और कहा कि ये रिकॉर्डिंग इसी हफ्ते की जाएगी। रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद गाने को रिलीज भी किया जाएगा। इस बात का जिक्र अमरजीत ने अपने एक ट्वीट के जरिए किया है। अमरजीत ने ट्वीट करते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह हिमेश रेशमिया के आने वाले नए एल्बम के लिए गाना गा रहे हैं।